हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे साथ फिर हैं वैद्यराज अरविंद शर्मा जी, जिन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट लेने के थ्रू बहुत लंबे समय तक सर्व किया है। उनके दादाजी, इनके पिताजी ने भी सर्व किया है। तो अब आने वाली सीरीज़ में हम आपको बहुत सारी डिसीज़ के बारे में बताने वाले हैं। हार्ट डिसीज़, डायबिटिक्स, सिस्ट, कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियाँ, किडनी, इनसे आप कैसे बच सकते हैं और अगर आप किसी को अनफॉर्चुनेटली हो जाती है तो उसमें उसे किस तरीके से आयुर्वेदा उसकी मदद कर सकता है, और वो भी हर्बल मेडिसिंस लेके या फिर अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके वो किस तरह से एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और बहुत हेल्दी रह सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, डॉक्टर साहब ने हमें बोला है कि आज हमें डायबिटिक्स के बारे में बताएंगे, तो वी गोना टॉक अबाउट डायबिटिक्स। और वैद्यराज के आज हम क्लिनिक में ही हैं, जो इनका क्लिनिक 12 नंबर रोड रॉकलिस में है। तो लेट्स डायरेक्टली टॉक टू वैद्यराज जी। वैद्यराज जी, प्लीज़ आज अब हमें डायबिटिक्स के बारे में बताएं, इसे किस तरह से मैनेज करा जा सकता है। डायबिटीज मधुमेह, इसमें आयुर्वेद में इसका वर्णन आया है, शास्त्रों में इसका अच्छा वर्णन है। डायबिटीज में कारण, लक्षण और चिकित्सा तीन होते हैं। कारण में इसके हैं, जैसे बहुत अपथ्य का सेवन करना में आवश्यक है, समय पे खाना, समय पे सोना, समय पे उठना, मतलब लाइफस्टाइल मेजर कॉसेस। हाँ, इसमें मेजर कॉज लाइफस्टाइल है, और समय पे व्यायाम करना आवश्यक है। मधुमेह में जैसे पुराने टेस्टिंग में था, जहाँ पेशाब करते थे वहाँ चींटियाँ आ जाती थी। ओके, तो मतलब ये पहले से ही इसकी आयुर्वेदा में वर्णन है। हाँ, और रोगी को प्यास ज्यादा लगती थी, रोगी को पेशाब बार बार आता था, तलवों में जलन होती है। okay. ये इसके पूर्व लक्षण है। मतलब ये नॉर्मल होती है जो एक्सट्रीम हो जाती है तब पूर्व लक्षण में। अच्छा, उसके बाद लक्षणों में इसका धीरे धीरे कमजोरी, नर्वस सिस्टम में कमजोरी आना, जैसे पैरों में कंपन और सोचने की शक्ति थोड़ी कम हो जाना। ओके, और खून का दौरा कभी कभी फ्लक्चुएट करना। ओके, ब्लड प्रेशर भी इसी से लिंक। ब्लड प्रेशर भी इससे फ्लक्चुएट करता है, कभी हाई कभी लो। राइट, इसका मन से भी बहुत बड़ा असर होता है। आदमी तनाव वाले वातावरण में रहता है तब भी इसमें मधुमेह में बढ़ोतरी होती है, और कभी वो एकदम गिर जाता है। ओके, इसलिए इसको रोकने के लिए लाइफ, जीवन शैली को व्यवस्थित करना आवश्यक है। मधुमेह जो रोग है, इसमें विभिन्न लक्षण हैं, जैसे शरीर में एकदम से दर्द होना, चक्कर आना, थकावट जल्दी होना, और पेशाब का बार बार आना, ये मधुमेह में होता है। बार बार प्यास लगना, मतलब अगर किसी को बार बार प्यास लग रही है तो वो अपने माइंड में एक डाउट ला सकता है, एक डाउट हो सकता है। okay. इसलिए उसका परीक्षण आवश्यक है। okay. बिना परीक्षण के उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ओके, तो इसके परीक्षण में लाइक वो जो होते हैं ब्लड टेस्ट। हाँ, ब्लड टेस्ट जो भी एडवाइज मेडिकल सुपरविजन में होता है वो आवश्यक है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं जी? सबसे मेन तो लोग ये ट्रीटमेंट के लिए देख रहे हैं। ट्रीटमेंट है कि अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित करो। पहले तो आजकल जो इतनी चकाचौंध भाग दौड़ की जीवन शैली है, उसको कंट्रोल करना आवश्यक है। मानसिक तनाव भी उसी से ही होता है, और जीवन शैली में खान पान भी बिगड़ जाता है। फास्ट फूड इसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इसमें मैदा की चीज बंद करनी पड़ती है। ओके, पुराने समय में जौ का प्रयोग आया, पुराने समय से ही। ओके, तो जौ की जो रोटी है वो इसमें फायदा है। ऑलराइट, इसमें जो फायदा करता है, जामुन की गुठली का चूर्ण। ओके, बेल पत्र चूर्ण। okay. बेल के पत्तों का चूर्ण, करेले का चूर्ण, गुड़मार, काली जीरी और मुख्य शिराजीत का प्रयोग आया है। Okay. शुद्ध शिलाजीत इसमें मधुमेह में अच्छा काम करती है। ओके, और अपना
कम खाओ और थोड़ा गम खाओ, स्ट्रेस को कंट्रोल करो। ओके, वही इसका मुख्य इलाज है। स्ट्रेस से ही फ्लक्चुएट भी हो जाता है? स्ट्रेस से ये फ्लक्चुएट करती है। ओके, इसको व्यवस्थित रखना जरूरी है, नहीं तो इसका दुष्प्रभाव शरीर के अन्य अंगों पे भी आता है। ऑलराइट, चाहे नर्वस सिस्टम पे हो, चाहे हृदय पे हो, चाहे मस्तिष्क पे। अच्छा, मेन ऑर्गन्स पे भी आता है? ऑर्गन्स पे भी आता है। शरीर क्रश हो जाता है। ओके, पोषण कम होने लगता है शरीर में, या सेल्स में जब एनर्जी नहीं पहुंचेगी तो ऑब्वियसली। तो मधुमेह एक घातक बीमारी है जो लंबे समय चलती है, लेकिन धीरे धीरे शरीर को खोखला करती चली जाती है। तो समय रहते मरीज को इसकी चिकित्सा आवश्यक है। ये तो रेगुलरली चलती होगी व्यायाम के साथ? तरह चिकित्सा तो रेगुलर करनी पड़ेगी, चिकित्सा से ही। हाँ, ये है कि अगर गंभीर हो रहा है मामला तो पैरेलल चिकित्सा चलानी पड़ती है। जो दवाई चल रही है उसको बंद ना करके उसके साथ चिकित्सा की जाए, और जब कंट्रोल आ जाए तो उसको धीरे धीरे टेपर करके दवाइयों को कम किया जाए। इसमें एक प्रयोग घरेलू मैं आपको बता दूं। घरेलू नुस्खा तो बिल्कुल चाहिए डॉक्टर साहब। सुबह खाली पेट कुछ मखाने 10-12 की संख्या में खा करके पानी पीने से इसमें लाभ देखा गया है। देखिए, अब आपको होम रेमेडी भी बता दी है डॉक्टर साहब ने, और वैसे मेडिसिन भी बता दी है जो आयुर्वेदा में आप ले सकते हैं जनरल तौर पे। और कि अपनी डायबिटिक्स वैसे मैनेज करना चाहता है प्रॉपरली, उन्हें कोई गंभीर समस्या हो गई है तो वो मैंने उनको बताया है डॉक्टर साहब की बहुत मंत्रालय में करा है, रेलवे मंत्रालय में बहुत सेवा कराई है, रेलवे मंत्रालय में तो बहुत सेवा दी है, और इनको बहुत इन डेप्थ नॉलेज है। और अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली इनसे अपॉइंटमेंट लेना तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब की वेबसाइट है, जो इनकी संस्था है एक्चुअली में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, जिसको भी बहुत जिसके थ्रू इन्होंने इनके दादाजी ने और इन्होंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज कराई हैं मॉरिशियस रशिया वगैरह बहुत सारी जगहों पे, जो मैं आपको इंट्रो में बता चुका हूँ। और आप अगर इनसे डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट है www.iias.life, जो मैं लिंक में डाल दूंगा, आप उनकी डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इनका नंबर भी मिल जाएगा और वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और सीपी में आप उनसे मिल सकते हैं। तो गाइस, लिव अ हेल्दी लाइफ। डॉक्टर साहब तो हमेशा ही कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये तो डॉक्टर साहब का वही है। तो हमने करना यही है कि अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना है जिससे हम हेल्दी लाइफ जी सकें। गुड लक गाइस, हैव अ हेल्दी लाइफ, बाय।